नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। साथ में दोस्तों, आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो दोस्तों, बात करते हैं इस 2 रुपये के पेनी स्टॉक के बारे में, इस 2 रुपये के शेयर के बारे में। लगातार आप लोग के क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। मैंने भी स्टॉक में पैसा लगा रखा है, आई थिंक 4 रुपये के भाव में, 3.5 रुपये के भाव में, और न्यूज़ थी स्टॉक आपको बोनस भी दे सकता है, और अभी तक तो शायद वो क्रेडिट नहीं हुआ है। अगर आपका हो गया तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैंने एक दूसरे अकाउंट में स्टॉक को बाय किया जहाँ मैं इसको देखता भी नहीं, क्योंकि पैनी स्टॉक है ना, मैंने आपको बोल रखा है ना, पैनी स्टॉक को आप तभी देखा करो जब आपका SL के आसपास हुआ है। अगर बार बार देखते रहोगे ना तो आपका खून ही जलने वाला है पैनी स्टॉक्स में, क्योंकि फिर आपने वहाँ पर प्रॉपर मनी मैनेजमेंट, ठीक है, और आपने अप्लाई नहीं किया और आपका इमोशन में आकर स्टॉक को आप एग्जिट कर दोगे। तो मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करता हूँ कि मेरा इमोशन उसमें इन्वॉल्वमेंट हो, तो मैं दूसरे स्टॉक मतलब दूसरे अकाउंट में स्टॉक को बाय कर लेता हूँ, ठीक है। ट्रेडिंग का अकाउंट अलग रख लो, इन्वेस्टमेंट का अकाउंट अलग रख लो, और साथ में पैनी स्टॉक का अकाउंट अलग रख लो। कितने रुपये लगते हैं एक अकाउंट खुलवाने में? सिंपल सी बात है भाई, जिसको समझ आएगी अच्छी बात है, नहीं समझ आएगी रख लो भाई एक ही में, फिर मतलब एक ही प्लेट में सब सजा के रख लो। अगर आप उसको मैनेज कर सकते हो तो अच्छी बात है, लेकिन मैं मैनेज नहीं कर पाता हूँ भाई, ठीक है। इसलिए मैं हमेशा क्या करता हूँ, सब जगहों को अलग अलग डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इतना पेशेंस नहीं है, मेरे पास खासकर पेशेंस नहीं है इतना, ठीक है। तो चलो वो बात की बात है, अभी बात करते हैं 2 रुपये के शेयर के बारे में, ठीक है। तो ये स्टॉक देख सकते हो कि 5 महीने की तेजी स्टॉक में देखने को मिलती है, BSE का स्टॉक है, ऑलमोस्ट 70% की डीवी स्टॉक उठाई गई है, और देखो 2 लाख बेलसिया शेयर्स लोग घर लेके गए, तो ट्रेडिंग अच्छी खासी स्टॉक पे हो रही है, मतलब 3.5 लाख शेयर्स ट्रेड हो जाते हैं, अच्छा खासा माल स्टॉक में लोग लेके जा रहे हैं। और लास्ट एक महीने का चार्ट देख लो, नीचे की तरफ जा रहा है, 6 मंथ का ऊपर की तरफ जा रहा है, और 1 ईयरली ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अभी स्टॉक का चार्ट पैटर्न नीचे की तरफ है, तो स्टॉक में अभी क्या करना चाहिए, देखो अभी जो पैटर्न है वो शॉर्ट टर्म के लिए डाउन ट्रेंड में मूव हो चुका है, ठीक है। वो कैसे पता चलेगा, इसको सिंपल है, स्टॉक का नाम आप देखो अनुपम फिलसरफ है, आप लोग देख सकते हो ये जो हाई इसने बनाए थे, ठीक है, ये लगातार इस हाई को मिला होगा, तो देखो पूरा रेजिस्टेंस बन रहा है, ठीक है, और ये पैटर्न पूरा डाउन ट्रेंड पैटर्न बोलते हैं इसको, ठीक है। तो देखो ये स्टॉक जब तक ऊपर नहीं जाएगा जब तक ये इस चैनल को, ठीक है, ये जो अपर चैनल दिख रहा है आपको, इसके ऊपर क्लोज नहीं करता है, इस अपर चैनल के ऊपर, मतलब ये इसको जाके रजिस्ट करेगा, और जब तक ये इसके ऊपर क्लोज नहीं करता है स्टॉक में बड़ी तेजी नहीं आएगी, पहली बात तो समझो, ठीक है। तो ये स्टॉक लगातार यहाँ एक डाउन ट्रेंड चैनल में ट्रेड कर रहा है, तो जब भी कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड चैनल पे होता है तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि स्टॉक को आप जितना हो सके टुकड़ों में बाय करो, ठीक है। देखो यहाँ रजिस्ट लिया नीचे गिर गया, यहाँ बाय करते आप अगर दिमाग होता, ठीक है, तो यहाँ आप स्टॉक को निकालते, यहाँ बाय कर सकते हो आप 2 रुपये के भाव में, मतलब 2.50 रुपये के भाव में, और स्टॉक को आप 3.40 रुपये 3.30 रुपये के भाव में निकाल सकते हो, क्योंकि ये स्टॉक उसको रिटेस्ट करने जाएगा, ठीक है। यही पैटर्न अभी स्टॉक में बन रहा है, तो हमें अभी सपोर्ट रजिस्टेंस जो अपर ट्रेंड लाइन है और नीचे की जो ट्रेंड लाइन है डाउन वाली, उसके बेसिस में आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया ट्रेंड लाइन के बेसिस में ट्रेड, इन्वेस्टमेंट तो नहीं बोलूंगा इसको, ट्रेड ही बोलोगे आप, ठीक है। तो अब इन्वेस्टमेंट अगर करनी है तो देखो इसमें यार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, अभी एक चैनल पैटर्न बनता है ना तो हमें डिसीजन थोड़ा सोच समझ के लेना पड़ता है, क्योंकि देखो ये जो पैटर्न है वो यहाँ भी बना था, अगर ध्यान देखोगे तो ये देखो पैटर्न बना था, देखो ये पैटर्न देखो यहाँ से बनना स्टार्ट हुआ 75 पैसे के आसपास। तो अगर आप 75 पैसे से इसको पकड़ते हो, देखो बेसिक सिखा रहा हूँ बेसिक, ठीक है, 75 से हाई देखो कितने रुपए का, 4 रुपए का, अगर इसका आप निकालते हो 50% तो कितना निकलता है, मोटा मोटा निकलता है इस 2 रुपए के आसपास, तो स्टॉक 2 रुपए का सपोर्ट ले सकता है, पहली बात तो ये है। देसी मैं बोलते ना कि लो को पकड़ो हाई को पकड़ो, रिट्रेसमेंट से सुना होगा, तो देखो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा दिया मैंने, देखो 50% का रिट्रेसमेंट होता है 2.5 रुपए के आसपास, और देखो 2.5 रुपए के आसपास से पहला सपोर्ट लिया भी है, तो अगर 2 रुपए के आसपास स्टॉक आता है 2.30 रुपए, ठीक है, तो स्टॉक सपोर्ट ले सकता है। बाकी 61% स्टॉक का लास्ट सपोर्ट बनेगा वो बनेगा 2 रुपए के आसपास, देखो मेरा, ठीक है। तो 2 रुपए स्टॉक अगर आता है तो डेफिनेटली स्टॉक को आप एक्युमुलेट करना, क्योंकि ये स्टॉक का 61% का सपोर्ट एरिया, यहाँ स्टॉक डेफिनेटली सपोर्ट लेगा, जो स्टॉक आराम से फिर 2.50 और 2.90 तक जा सकता है। तो 2 रुपए की आप क्या करो, एक पिट प्लेस कर दो स्टॉक में चुपचाप, ठीक है। यह है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल, ठीक है, हाई से पकड़ो लो को, ठीक है, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, हाई से पकड़ो लो को या लो से पकड़ो हाई को, जैसे पकड़ना पकड़ लो, लेकिन लो से हाई मैंने मार्क कर लिया, और देखो ये नंबर फ्लॉट हो गए, 38, 50
और ये सपोर्ट की तरह काम करता है भाई। देखो सपोर्ट की तरह काम किया, ठीक है, 38 में ऊपर कितना गया, 340 तक, ऑलमोस्ट देखो 20% रिटर्न देके गया। देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया, देखो ऊपर गया गया ना, अब देखो दोबारा सपोर्ट दे रहा है 50% में, फिर ऊपर जाएगा ये 38 का रजिस्टर लेकर नीचे गिर जाएगा। और अगर फाइनल सपोर्ट लेगा ये स्टॉक तो यहाँ लेगा कहाँ, 61, तो 61 निकलता है मोटा मोटी कितना देख लो भाई, 2 रुपये 5 और 10 पैसे, तो 2 रुपये 10 पैसे के आसपास आप अनुपम फिल्म शेयर में एक बिट डाल के छोड़ सकते हो, प्योरली टेक्निकल बेसिस में, समझ गए, टेक्निकल बेसिस में इसको आराम से। फिर 38% का जो नंबर है 287, 2 रुपये 87 पैसे, 2 रुपये 87 पैसे ये रिटेस्ट कर सकता है, और 50% भी आप टारगेट लगा सकते हो 2 रुपये 50 पैसे, ठीक है। ये तो हो गया पूरा टेक्निकल। अब बात करते हैं कंपनी के Q4 नतीजे आउट हुए तो देख लेते हैं भाई, दिखा देता हूँ आपको। तो देखो भाई ये स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से काफी मेगा ट्रेड कर रहा है, ROC पॉजिटिव है, ठीक है। और कंपनी के बारे में देख लो भाई, दिसंबर प्रॉफिटेबल बिजनेस था, हाँ 35 लाख का प्रॉफिट हुआ था, और ईयरली प्रॉफिट लगातार ग्रो हो रहे देख सकते हो, ठीक है। श्योरिटी पैटर्न भी देख लेते हैं कंपनी का, तो यहाँ देखो श्योरिटी पैटर्न, प्रमोटर्स की होल्डिंग इंक्रीज हुई है, देखो 22% से 29% हो गई, प्रमोटर की होल्डिंग इंक्रीज हुई है, तो धीरे धीरे करके प्रमोटर अपनी होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं। तो अगर फ्यूचर में ऐसा होता है 29% ना 40% में कन्वर्ट ना हो जाए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अनुपम फिल्म शेयर में ये जो 29% दिख रहा है ना, कहीं आपको 40% में ना दिख जाए। प्रमोटर अपनी होल्डिंग लगातार बढ़ा रहे हैं, ध्यान रखना प्रमोटर इसी रेशियो में बढ़ाते हैं, धीरे धीरे करके बढ़ाते हैं, पता भी ना चले किसी को कि हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो अगले 2-3 क्वार्टर में बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक के लिए, अगर प्रमोटर्स ने दोबारा होल्डिंग बढ़ा दी तो स्टॉक इज गोइंग टू मैड। मैं आपको पहले बोल रहा हूँ एक छोटा स्टॉप लॉस लगाना है बिलो 2 रुपी, और 2 रुपये 10 पैसे 20 पैसे आता है तो स्टॉक को आप एकुमुलेट कर सकते हो, क्योंकि वो 61% का रिट्रेसमेंट होगा, ठीक है। अब गारंटी नहीं है वहां आएगा, लेकिन वेट कर सकते हो, उम्मीद लगाया जा सकता है, क्योंकि 50% में देखो उसने सपोर्ट ले लिया, पहला पहला सपोर्ट इसने लिया 38 पे, ठीक है, फिर इसने 50% में लिया, अब ये लेगा 61% में। तो चाहो तो इन तीनों नंबर्स पे आप एवरेज कर सकते हो, और जो एवरेज निकलेगी आप सेल कर सकते हो ऊपर, आराम से प्रॉफिट पे निकल जाओगे, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी भी होती है स्टॉक्स में, एक स्ट्रैटेजी के पीछे काम नहीं करना, आपको मल्टीपल स्ट्रैटेजी चाहिए, इसको बोलते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ठीक है। तो वीडियो को समाप्त करता हूँ, मेरे हिसाब से आप स्टॉक को नजरों में रख सकती हो भाई, ठीक है, अनुपम फिल्म सर्व, राइट, 2 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगा लेना, और 2 रुपए 10 पैसे आता है तो डेफिनेटली स्टॉक को बाय करना, क्यों बाय करना उसका रीजन मैंने आपको बता दिया, 61% का क्या है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। बाकी मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियोस में, वीडियो अच्छा तो लाइक करना, शेयर करना, कॉमेंट पक्का करना। All right, take care.